इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में मौजूद हैं। लगातार जो है कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रही है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर जो है वो शराब पीते हुए स्कूल में एंटर होता है और कुछ बोटल्स भी उनके पास जो है वो निकलती है। हमने अभी तक ये खबर इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल वर्जन नहीं था। हमारे चैनल की ही कोशिश रहती है कि जब तक ऑफिशियल वर्जन ना आए तब तक हम खबर को सामने नहीं लाते हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है खुद चीफ एजुकेशन ऑफिसर, इनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपने जो है शॉर्ट टाइम में वक्त दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मुझे बताइए, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो आखिर वीडियो है क्या? एक स्कूल टीचर जो स्कूल में आता है नशे की हालात में और उनके पास कुछ शराब की जो है बोटल्स भी निकलती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मैं आपका वेलकम करता हूँ। ये कल नहीं तो परसों की बात है, एक टीचर जिसका नाम विक्रम सिंह है जी, तो उसकी ड्यूटी जोन भाला में है, प्राइमरी स्कूल में ड्यूटी है उसकी, चांटी टटोरा नाम है जगह का। तो वहाँ पर एज पर वीडियो ही स्कूल आते में है और वो नशे की हालत में बोल रहा है जी। तो ये फैक्ट है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, घर से ही पी के आया है कि या कहीं रास्ते में किसके साथ क्या हुआ है, तो ऐसा तो, लेकिन मेरे उसमें तो पहली बार आया कि टीचर जो है वो पी के तो स्कूल जा रहा है जी। तो ऐसे केस बहुत रेयर होते हैं, बेशक नशा सभी करते हैं लेकिन स्कूल आवर्स में या ड्यूटी आवर्स में ये नाजायजी लगता है, और ख़ासकर बच्चों के बीच में जब जाना है तो ये अच्छा नहीं लगता है। आपकी टीम जो है वो क्या करे, क्या इंक्वायरी इस चीज पे जो है वो बैठी है? नहीं, इंक्वायरी के लिए तो हमने जडियो साहब को, बाला वाले को बोला है, वो थोड़ा सा उसको पहले इनिशिएट कर लें, उससे पूछताछ करें कि क्या बात है। तो अगर वहां से कुछ नहीं निकला तो मैं एक चाहता हूँ कि मैं एक खुद भी उससे मिलूं, देखता हूँ मैं अगर टीचर उस ये कोई मजबूरी की वजह से अगर वैसा कुछ किया है तो अलग बात है, लेकिन अगर आदि है वो वैसा ही है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने देखा कि निगरानी में यहाँ पर जो है वो बहुत सारे वो कैंप भी हुए, आपने उसको जो है वो ट्रेनिंग भी दी गई। क्या आपको लगता है ऐसा कि टीचर पे कोई दबाव होगा, स्ट्रेस होगा या और कुछ वजह होगी ये सब करने की? नहीं, डिपार्टमेंटल स्ट्रेस मैं किसी पर नहीं मानता हूँ, क्योंकि उतना हम नहीं कहेंगे कि एज टीचर उसको क्या करना है। पांच क्लासें हैं तो पांच उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है, तो स्ट्रेस वाली कौन सी बात है? ये कोई घरेलू बात हो सकती है, वो ऑलरेडी एडिक्टेड है या घरेलू प्रॉब्लम्स हैं तो उस वजह से हो सकता है। बाकी हम तो एज ऑफिशियल मैं ये कहूँगा कि ऑफिशियली उस पर कोई दबाव नहीं है उस किस्म का, क्योंकि कभी या तो किसी पर हरासमेंट हो, किसी को कुछ कहना हो, प्राइमरी स्कूल में तो वैसे भी हरासमेंट नहीं होती है, वो तो खुद ही हेडमास्टर भी है, खुद ही टीचर भी है, खुद सब कुछ है। होता कहीं हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी में, मैं कहता कि नहीं जी किसी ऑफिसर के अंडर है, तो वो तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि स्कूल की तरफ से कोई दबाव नहीं है। सर, ऐसे जैसे मामले जो है वो कितने आए हैं आपके सामने? आपको लगता है कि इससे पहले भी कुछ मामले आए हैं? ये तो बहुत रेयर है, ऐसे केसेस तो बहुत कम आते हैं, खासकर मुझे भी 2 साल हो गए, लेकिन तो एक केस मैंने पहले भी एक देखा था, लेकिन उस दिन वो स्कूलिंग नहीं थी, कहीं बाहर ही था तो, और हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ पर वो कहीं गया था, लेकिन थी उस दिन छुट्टी थी जी, लेकिन फिर भी मैंने उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था कि अगर तुझे इतना ट्रेनिंग थी तो गया क्यों आते में, तो उसको 6-7 महीने वो सस्पेंड रहा फिर बाद में। और ये थे हमारे साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा, जिनसे हमने जो है वो खास बातचीत की। टीम को जो है वो तश्कील कर दिया गया है, इंक्वायरी जो है वो चल रही है और बहुत जल्द जो है एक्शन किया जाएगा। आपकी राय क्या होगी इस सब पे, अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे स्ट्रेट टाइम्स।